फ्रेंड्स आलू पालक बहुत यमी मज़ेदार सा तैयार है। अब मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत यमी फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म आलू पालक तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू पालक। मगर आलू पालक पकाने से पहले मैं आपको चंद फवायद पालक के बताऊँगी। यूँ तो हरी सब्ज़ी कोई भी हो सेहत के लिए होती है फ़ायदेमंद। पालक में विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे अज्जा पाए जाते हैं। पालक खून की कमी दूर करता है। पालक से दिमागी और आसाबी निज़ाम बेहतरीन रहता है। ये एक फौरी हजम होने वाली सब्ज़ी है और निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन है। पालक हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद है। इसका जूस भी पिया जाता है। स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिए। यहाँ मेरे पास है आधा किलो पालक, जिसे मैंने अच्छे से 3 दफ़ा पानी में डिप करके धोया है, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी होती है तो इसको अच्छे से साफ़ करना है। आधा किलो आलू है मेरे पास, जिसे मैंने इस तरह काट के पानी में डिप कर दिया है। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने काट लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद लहसुन के जवे और 2 हरी मिर्चें, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, कूट लिया है। मसालों मेरे पास है 1 टीस्पून भर के मैंने लिए है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिए है कुटी हुई, 1 टीस्पून नमक। भगार के लिए जो मेरे पास अज्जा है वहाँ यहाँ पे मैंने लिया है 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद गोल मिर्च लाल वाली, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 1 अदद हरी मिर्च जिसे मैं भगार में इस्तेमाल करूंगी। तो आइए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते हैं, पकाना स्टार्ट करते हैं आलू पालक। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल गरम किया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ मैंने ऑयल में ज़ीरा और गोल मिर्च शामिल कर दिए। अब जैसे ही ये कड़कड़ाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा प्याज पिंक कलर में आ जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और मसाले। मिलती हूँ आपसे कुछ लम्हों बाद। यहाँ प्याज पिंक हो गया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गार्लिक और हरी मिर्च जो कि मैंने कूट के रखी हैं इस तरह से। 2 चमचे मैंने भर के ऐड कर दिया है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैं थोड़ी देर पका के इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसाले ऐड कर दिए हैं। दो से चार मिनट में इसको अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। यहाँ मैं करूँगी इसे कवर ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और आंच बिल्कुल दरमियानी रखनी है। मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। माशाल्लाह टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें शामिल करूंगी मैं आलू। यहाँ मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और इसको थोड़ा मसाले के साथ हम भूनेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी ताकि हमारे आलू गल जाएं। इसको करेंगे कवर। मिलते हैं आपसे चलने के बाद।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। जी जनाब फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू जो है वो हाफ डन हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूंगी धुली हुई पालक। पालक मैंने शामिल कर दिया है। याद रखिएगा कि पालक को बहुत अच्छे से वॉश करना है 3 से 4 बार, क्योंकि इसमें होती है मिट्टी। और इसको पालक को जो है डंठल और पत्तों के साथ ही काटना है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए। जैसे ही पालक नीचे बैठेगा तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको हम रखेंगे दरमियानी आंच पे। अब हम कवर हटाएंगे। यहाँ पे पालक जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखें पालक ने अपना पानी रिलीज़ किया है, इसी पानी में गल जाएगा। अब हम इसे करेंगे कवर और फिर मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे जो है आलू पालक माशाल्लाह से तैयार है। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था सिवाय आलू को गलाने के लिए। पालक का अपना पानी है जो यहाँ पे उसने रिलीज़ किया है। पालक और आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। फ्रेंड्स, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसे खाऊंगी बॉयल्ड राइस के साथ, जो बहुत मुझे मज़ा आएगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।